आप लोग भी जानकारी नहीं लिए कभी? नहीं, पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ गोश्त बेच रहा है तो बेच रहा है, क्या दिक्कत है? विकास कहाँ हो? किशनगंज संसदीय क्षेत्र के कोचाधामन प्रखंड के हल्दीखोड़ा पंचायत में है। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, मानिए ना मानिए, ये बिल्डिंग जो है लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग में अभी गोश्त बेचा जा रहा है, चिकन बेचा जा रहा है और लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, गप लड़ाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के नाम पे यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। कमर नई मुद्दीन नाबिर आलम मोहम्मद हैदर आलम लाइब्रेरी लाइब्रेरी थी। अच्छा, इसी चीज़ के लिए बना था। कितने साल पहले लगभग? कई साल हो? सात आठ साल। हाँ, सात आठ साल। तो कोई बताया नहीं उसके बाद कि बिल्डिंग क्यों नहीं काम में आ रहा है? हाँ, जिस चीज के लिए बना था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, कोई आप लोगों से बताया नहीं? नहीं, नहीं बताया हम लोग। आप लोग भी जानकारी नहीं लिए कभी? नहीं, पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ गोश्त बेच रहा है तो बेच रहा है, क्या दिक्कत है? क्या बना था इस बिल्डिंग? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लाइब्रेरी लाइब्रेरी के नाम पर ये घर बना है। ठीक है, लेकिन अब तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा हम लोगों की लाइब्रेरी है कि मुसाफिर खाना है, क्या क्या है ये? अच्छा, ये समझ में नहीं पड़ा, लेकिन हम लोगों को ये मालूम है कि ये लाइब्रेरी के नाम पर ही ये घर बना है। कितने साल पहले लगभग बना होगा ये? मिनिमम दो तीन, तेरह साल हो गया, वही दस बारह साल हो गया। दस बारह साल पहले अख्तर रहमान के टाइम बना है ना ये। अच्छा, मतलब विधायक फंड से बना? विधायक फंड से बना है, अख्तर रहमान के ही इसे बना था, लेकिन अब तक ये कम्प्लीट नहीं हो पाया। अवैध कब्जा में अब देखिए, देख ही रहे हैं, चाय का दुकान चल रहा है, वो मुर्गी का दुकान चल रहा है। तो उसके बाद जो है, जितने भी उसके बाद जो विधायक है उन्होंने भी कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसी का ध्यान नहीं दिया। आपकी जानकारी में है क्या किस नाम से ये बिल्डिंग बना था? ये हमको जानकारी इसलिए है कि इस जब बन रही थी तो हमको पता था कि ये लाइब्रेरी के नाम से बन रहा है। अच्छा, और बना भी कुछ बहुत जल्दी में बना भी, लेकिन बनने का अचानक फिर क्या हुआ कि काम इसका बंद हो गया बीच में। फिर अख्तर रहमान साहब के इसमें ही बने थे ये, वो अख्तर साहब इसको बनाए थे। फिर 2014 इलेक्शन में वो शायद चले गए, लेकिन भवन अधूरा ही रहा। हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए इसके लिए, तो फेसबुक के माध्यम से भी इस मामले को उठाया कि हल्दीगुड़ा में एक लाइब्रेरी बनी है, उसमें बना क्यों नहीं अब तक, अधूरा क्यों रहा? तो हमको भाई प्रशासन को आप लिख के दीजिए, प्रशासन पर आप लिख ही डालिए। तो कोई आदमी तैयार भी नहीं हुआ कि प्रशासन में जाए, लेकिन कई बार अख्तर रहमान साहब खुद इस बात को पहल किए कि नहीं ये बनना चाहिए, इसका सारा काम हो गया, रुपया निकल गया, सब कुछ हो गया, आखिर काम अधूरा रहा कहाँ? वो भी सर प्रशासन से इस बार कई बार बोले भी थे कि जो इंजीनियर थे इसका, कौन अनवर साहब या कौन शायद नाम हम जानते नहीं उसका, इंजीनियर को ही बोले थे। वो इंजीनियर को बोले कि क्यों नहीं बना, अब मामला क्यों अटका, क्यों अटका, क्या कहा अटका, ये हमको तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जान रहे थे कि यह बना था लाइब्रेरी के नाम से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये मुसाफिर खाना बना हो, रैन बसेरा बना हो, कुछ और भी बना हो, लेकिन जो स्थानीय मुखिया है अभी हसनैन साहब, उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म किया है, और जो मिस्त्री उस वक्त जिसने इस बिल्डिंग को बनाने में काम किया था उसने भी ये चीज़ कन्फर्म किया है कि ये चीज़ ये बिल्डिंग लाइब्रेरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन लाइब्रेरी का रूप ये बिल्डिंग कभी ले नहीं पाया। तो लाइब्रेरी कब बनना था? मोटा मोटी कैसा हो गया, अख्तर साहब जब थे विधायक, चार तो छह सात साल हो गया लगभग, मोटा मोटी सात आठ साल। अच्छा, तो उसके बाद ये लाइब्रेरी मतलब कभी लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। तो अभी जो इसमें चिकन विकन बेचा था, मुर्गी खाना बना रखा है, तो इस पे आप लोग इस पे कुछ कार्रवाई किए नहीं? कार्रवाई का शुरू से है तो वो लोग है, है। हम लोग तो खंडर पराई है वो बिल्डिंग। अच्छा, कभी मुकम्मल लाइब्रेरी लेकिन बना नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। आप किस चीज का काम करते हैं? मकान का बिल्डिंग। ये बिल्डिंग आप ही बनाए? जी, कितने साल पहले लगभग बनाया? लगभग 10 साल पहले। क्या बोल के बनाया गया था? ओ, लाइब्रेरी बना करके। लाइब्रेरी बनाई जी। तो काम भी लगता नहीं आपको अधूरा रह गया है? हाँ, काम अधूरा रह गया, पैसा भी फंस गया है। आपका पैसा भी फंस गया जी? कितना पैसा फंसा? हमको फाइलन तक था उस जमाना के वक्त तक, कम रेट था, लेकिन उस वक्त का हमारा कम से कम 10-12 हज़ार रुपया फंसा हुआ है। मतलब 10-12 साल पहले का 10-12 हज़ार आपका फंसा हुआ? जी 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 जी। अब तक कोई पैसा वैसे का कोई बात ही नहीं कर रहा? कोई बात ही नहीं हुआ, ना कोई अभी काम हुआ है। अच्छा, तो आप लोग पता नहीं किए कि ये पैसा क्यों नहीं दे रहा है या काम आगे कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? ठेकेदार था नाम? वो ठेकेदार था ना, उसमें हम उसको लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ठेका लिए थे। ठेकेदार यहीं का है, लोकल ठेकेदार है। उससे सवाल जवाब किए नहीं, क्यों अधूरा रह गया? सवाल जवाब किया, करा कि बिल पास नहीं हुआ इसीलिए काम रुक गया है। अच्छा, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे बना हुआ है। अच्छा,
जो पाता है अपना जैसा होता है करता है, 10% कमाता है गरीब आदमी। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ ही नहीं, कोई ध्यान दे नहीं दिया। आपके इलाके में भी विकास अगर ऐसे ही लापता है, सुस्त है या सो गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम विकास को कॉल लगाएंगे और उससे पूछेंगे विकास तुम कहाँ हो।